ये गांव 5000 साल पुराना गांव है पादाजून, जो महाभारत के टाइम में सुभद्रा जी और अर्जुन जो थे पांडव, उनकी शादी यहां पर हुई थी। पहाड़ के पीछे मंदिर बना हुआ सुभद्रा जी का, जो अभी भी वहां यथावत है, और वहां वो शादी करके आगे निकल गए थे, कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया, तो यहां गांव बस गया था। फिर कालांतर गांव ऊपर चला गया था पहाड़ के ऊपर पीछे, वहां भी ऊपर पुराना एक किला बना हुआ है, उसके अवशेष अभी भी हैं। फिर 400 साल पहले अलग अलग परिवारों का यहाँ राज रहा, तो 400 साल पहले मेरे तो पूर्वज थे राठौड़, जोधा राठौड़ों का यहाँ राज स्थापित हुआ, जो राव मालदेव जी जोधपुर के शासक थे। उनके बड़े पुत्र तो वहाँ राजगद्दी विराजे, और उनके छोटे पुत्र रतन सिंह जी थे, उनको वो यहाँ आकर काबिज हुए, जो जहाँ इन दूसरे लोगों का जो यहाँ पर पहले व्यवस्था थी उनको हटा करके रतन सिंह जी जोधा जो थे वो यहाँ आए जोधपुर से। उससे हम 17 पीढ़ी, आज मैं 17वीं पीढ़ी पर हूँ। फिर वो उसी समय से लगातार हमारा परिवार यहाँ रहा है, बीच में कोई दूसरा प्राधिकार यहाँ नहीं हो पाया। तो उस सिलसिले में 17 पीढ़ी पर मैं हूँ। सुभद्रा जून पहले इस गांव का नाम था, सुभद्रा और अर्जुन मिलाकर कालांतर में अपरंश होकर के भाद्राजुन हो गया, अब भाद्राजुन है। तो पुराना किला ऊपर था 400 साल पहले से करीब, फिर ये नीचे आ गया, क्योंकि वो जोधपुर महाराजा के बेटे थे, उनके पास मजबूत सेना थी, तो उनको उतनी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी कि उनको ऊपर रहना पड़े। तो नीचे आके यहाँ उन्होंने ये अपना रहना शुरू किया। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like.